आपको वहां नहीं जाना है, मैं किसी और को ना बुलाकर मैं सीधे माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय चौधरी ने अपने जीवन को किसानों के लिए समर्पित किया है, जिनका व्यक्तित्व और कार्य आचरण जीवन शैली किसानों को समर्पित है। ऐसे किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विजयपाल सिंह जी, मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता, जो जीवन के हर कड़ी को जानते हुए पहचानते हुए भी अपने जीवन को यात्रा पूरी कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानते हुए अनजान बने हुए हैं, ऐसे श्रीमान वो उत्तर प्रदेश सरकार को, सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, श्रीमान श्रीमती सारता चौधरी जी। चौधरी साहब, आदरणीय श्रीमान पुनः स्नातक शिक्षक स्नातक क्षेत्र से पुनः विधान परिषद, मैंने पता नहीं मुझ पर क्या सूझी, सरस्वती ने अंदर से आवाज दी और मैंने ढिल्लो साहब से अच्छा आप विजयी हो गए। ऐसे भावी विधान परिषद के सदस्य श्रीमान ढिल्लो साहब, मेरे मित्र मिलाकर के राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है और अपने जीवन जाट का अंश है और जाट का रुधिर मेरे शरीर में बहता है, इसे सुन करके तो मुझे गौरवान्वित होता ही हूं, होना पड़ता है और होना भी चाहिए। मैं एक बार कहकर के बात को विराम दूंगा, क्योंकि 7:30 बजे तक गंगा के दोनों किनारों पर मिलने जुलने का अवसर प्राप्त होगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं जाट विकास महासंघ महासभा मंडल मुरादाबाद के पंडाल में बोल रहा हूं कि आखिर जाट की परिभाषा है क्या। मैंने जो समझा है, सोचा है, अनुभव जीवन में किया है, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी यदि जाट को किसी बिरादरी से जोड़ दिया जाएगा। जाट एक आइडियोलॉजी का नाम है, जाट एक चरित्र का नाम है, जाट एक संस्कार का नाम है, जाट एक स्वभाव का नाम है और जाट एक आभार मंडल का एक नाम है। जिसमें कोई भी जाट, चाहे वो वाल्मीकि कहलाता हो, चाहे वो कुंभकार हो और चाहे वो गोपाल अन्याल के अंश और वंश से संबंधित हो, यदि किसी व्यक्ति में न्याय के साथ खड़े होने का जज्बा है, जिसमें जस्टिस को प्यार करने का, जस्टिस के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने का स्वभाव है, जो क्रिया के साथ ऐसी क्रिया जो समाज को नुकसान पहुंचाता हो, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता हो, धरती माता को नुकसान पहुंचाता हो, 5 तत्वों को नुकसान पहुंचाता हो,
जो सम्मान को ठेस पहुंचाता हो, जो स्वाभिमान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हो, ऐसी क्रिया की प्रतिक्रिया करना जानता हो, हमारी भाषा में क्या कहना चाहिए, गांव की भाषा में क्या कहना चाहिए, गंगा की बालू में खड़े होके क्या कहना चाहिए, जो थप्पड़ का जवाब भूसे से देना जानता हो, क्रिया में क्रिया की प्रतिक्रिया जानता हो, जो सच्चाई के साथ अपने जीवन को निर्वहन करना जानता हो, जो सत्य को अंगीकार करना चाहता हो, जानता हो, वह चरित्र, वह स्वभाव अंश और वंश से कोई अर्थ नहीं है, अर्थ है चरित्र से, अर्थ है स्वभाव से, अर्थ है आचरण से।